और वो गाय दिन सैयद यावर हसन। और ये वीडियो को भी कोई भरोसा नहीं, बाकी वीडियो की तरह जो कि जिन लोगों की डिलीट हुई है ये भी डिलीट हो जाए, क्योंकि सच किसी को हजम होता नहीं और झूठ का आदमी मज़ा लेना चाहता है। और ऐसे ही कुछ हुआ हमारे भोपाल में कल, हमारे कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हुआ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सर आपने बहुत अच्छा काम करा है। ये 50 दिन आप घर से दूर रह के जो आपने इसका काम करा, आपने हमारे दिल में जगह बनाई हो, मुझे इस बात का यकीन है आप जहाँ भी रहेंगे आप बहुत अच्छा काम करेंगे। जो नए अधिकारी आए उनसे को भी हमें यही उम्मीद है कि आप भी इन्हीं की तरह काम करें। कोई ट्रांसफ़र की कोई वजह नहीं थी, बस बेवजह, क्योंकि हमारी सरकार की शुरू से ही आदत रही है कि यहाँ पर जो काम सही तरीके से करता है उसकी इतनी इज्जत नहीं होती, इज्जत उसकी होती है जो जी हजूरी करता है। तो साहब जी हजूरी करने वालों को स्वागत करते हैं, और जितने भी अधिकारी ट्रांसफ़र हुए हैं मैं फिर बोलूँगा आप सब लोगों को मेरा सैल्यूट है। बात करते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट है, इंडियाज़ बिगेस्ट जिम प्रोटेस्ट, ये संडे को होने वाला है। फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मार्केट खुला है ना खुला है, फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे सरकारी ऑफिस खुले ना खुले, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप लोगों को एक साथ आना चाहिए, चाहे वो ये संडे हो या दुनिया का कोई सा भी दिन हो। और अगर इस प्रोटेस्ट में से अगर जिम को हटा दो ना, तो ये प्रोटेस्ट वो हर इंडियन का है जिसकी ज़िंदगी इस 3 महीने में बर्बाद हुई है, वो भी किस चीज़ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग अंधे तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अमेरिका को, जो वो बोल दे हम उस चीज़ को मान लेते हैं। महामारी बोला तो महामारी मान लिया, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरे भाई एक रेस्पिरेटरी वायरस है अकॉर्डिंग टू द साइंस, इसको कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा, आपका ये सर्जिकल डॉक्टर जो पहनते हैं मास्क वो रुकेगा, या आपके हैंड ग्लव्स रुकेंगे, या फिर कोई सैनिटाइजर बार बार हाथ करने से कोई वायरस रुक जाएगा? अरे मेरे भाई, मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू द एक रिसर्च के मैं बता रहा हूँ आपको कि जनवरी के अंदर ये वायरस आ चुका था। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मिले थे जिनको सीरियस वायरस इन्फेक्शन हुआ था, बट उस टाइम के अंदर वो ठीक हो गए थे क्योंकि उस टाइम COVID-19 एग्जिस्ट नहीं करता था। और मेरे हिसाब से जनवरी से ही ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका था हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो तो जब कोविड टेस्ट होना स्टार्ट हुए तब जाके केस निकलना स्टार्ट हुए। और मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद भी तो 1.5 लाख केसेस निकले, और लॉकडाउन जैसे खुला तो वो केसेस पीक पकड़े, तो क्यों नहीं पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे? जब आप घर से बाहर निकल रहे हो एक प्रोटेक्टिव माहौल से एक अनप्रोटेक्टिव माहौल में निकलोगे तो ये तो होगा। पहले कहा गया था कि 3 फीट की दूरी से अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हो तो बच जाओगे, फिर 6 फीट हुआ, अभी 13 फीट हो गया है। यार हिंदुस्तान में कौन 13 फीट सोशल डिस्टेंसिंग रख सकता है? पॉसिबल है इसको रोकना? किसी की कोई गलती नहीं है ना, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है, हम लोग भी कंफ्यूज है, मीडिया भी खुद कंफ्यूज है, उसको बोलना क्या है। जो अमेरिका से आता है वो हम लोग छाप देते हैं और आदमी के तक पहुंचा देते हैं। जितनी भी चीज़ें अभी कोरोना वायरस के अंदर हो रही ना, इम्यूनिटी को बढ़ाने का कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक रिपोर्ट नहीं कि बताया गया कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। सारी रिपोर्ट्स और सब चीज़ें इम्यूनिटी को, हैंड सैनिटाइजर, भाई हाथ पानी से धो रहे हैं तो ये हैंड सैनिटाइजर का फंडा क्यों आया? इम्यूनिटी लो हो रही है इससे, उसके बाद आप पीपीडी किट पहना देते हो। मेरे भाई ये वायरस वो नहीं है, ये लंग्स के थ्रू, मुंह के थ्रू जाएगा या फिर आँख के थ्रू जाएगा। यहाँ पर अपने फेस को आप प्रोटेक्टिव कर सकते हो यार, लेकिन ये स्किन के थ्रू थोड़ी जाएगा। और वही पीपीटी किट कितने लोग हैं सब जो रीयूज कर रहे हैं। अरे वो एक 4 रुपए का जो मास्क है ना, उसी को लोग रीयूज करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं और इकट्ठा करने के बाद और ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, नई बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम हो रही है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं? इम्यूनिटी लो करती हैं, बढ़ाने की जगह सारी इम्यूनिटी लो हो रही है। प्रोटेस्ट होने वाला, ये प्रोटेस्ट सिर्फ जिम का प्रोटेस्ट नहीं, ये प्रोटेस्ट आप सभी लोगों का प्रोटेस्ट है जो इस डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट हमको सिर्फ इस डर के खिलाफ करना है, ये डर हमारे हिंदुस्तान को बिकवा देगा। प्रोटेस्ट उस डर के लिए जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी में छुआछात पैदा कर रहा है, ये प्रोटेस्ट उस डर के लिए जहां पर एक ग्राहक एक दुकान में जाने के लिए पहले 100 बार सोच रहा है, ये प्रोटेस्ट उस डर के लिए है जहां पर हम खुद का काम भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट उस डर के लिए है जहां पर एक डॉक्टर अपने क्लाइंट को देखने से डरता है, एक पेशेंट हॉस्पिटल जाने में डर रहा है। डर के लिए है जहां पर अमीर तो बहुत अमीर हो गया, गरीब बिल्कुल मर गया, और मध्य वर्ग इस तरीके से पिस गया कि उसके दिमाग में अब सुसाइड जैसी चीजें आने लगी। मेरे भाई ये प्रोटेस्ट उस डर के लिए जहां पर आप अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन डर इतना है कि आप उसको कर नहीं पा रहे हो, आ रहे हो तो कुछ लोग उसको नहीं करने दे रहे हैं। ये प्रोटेस्ट आप सभी लोगों का है, इसको सिर्फ जिम से मत जोड़ो मेरे भाई, ये प्रोटेस्ट आपका है, आपका हक का है, ये हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट है। क्योंकि आज अगर आपने इस डर के लिए प्रोटेस्ट नहीं करा, अपने हक के लिए आपने नहीं करा, तो आने वाले टाइम पे ये हिंदुस्तान ना बिक जाए कहीं। तो मेरी बात को कितना समझते हैं कितना नहीं समझते, मुझे इतना पता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैंने बहुत करीब से देखी जो मैं आपको बताता हूँ। और आज का माहौल ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे को ही विरोध में लगे रहते हैं, मतलब एक दूसरे से ही आपस में लड़ते रहते हैं, और एक देश की बर्बादी के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी देश किसी देश को बर्बाद नहीं कर सकता जब तक वहाँ के लोग खुद बर्बाद ना होना चाहिए।
तारीख को होने वाला प्रोटेस्ट सिर्फ जिम का प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट है डर का। आपके दिमाग में तो बहुत से डर हैं, दुकान खोलने से लेकर ग्राहक के आने तक के न जाने कितने डर आपने दिमाग में बिठा रखे हैं। डर की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, अपनी जिंदगी वापस ट्रैक पे लेकर नहीं आ पा रहे हो। मार्केट पे भीड़ है लेकिन खाली पड़ा हुआ है, प्रॉफिट नहीं है, लोग डर रहे हैं जाने के अंदर। हर चीज को छूने से पहले वो सोचते हैं 10 बार, ये डर किसने बिठाया आपके दिमाग में। कि आप किस बिजनेस से बिलोंग करते हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, आपकी बर्तन की शॉप है, आपकी कपड़े की शॉप है, डजंट मैटर, लेकिन आप इफेक्ट हुए हो, इस डर की वजह से इफेक्ट हुए, और इसी डर के लिए संडे को प्रोटेस्ट रखा गया है। आप अपनी बात रखें, जिस वजह से आप इफेक्ट हो रहे हो, जिस वजह से आप वापस अपनी लाइफ पे वापस ट्रैक पे नहीं आ पा रहे हो, उस चीज़ को रखो, अपने प्लेटफॉर्म पे रखो, जिस तरीके से रखना है रखो। बाहर रोड पे निकलना निकलो, रैली करना रैली करो, बस अपनी बात रखो। जब पूरा हिंदुस्तान अपनी बात रखेगा तो कोई मजाले कोई देश इस हिंदुस्तान को तोड़ दे। प्रोटेस्ट है हमारे हिंदुस्तान में फैलाए गए वो डर का, जिसकी कोई वजह नहीं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी खुलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे, वहीं थम से गए हैं। इस प्रोटेस्ट में आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा, और अपने हक के लिए, इस डर के लिए प्रोटेस्ट करें। जय हिंद।